Hello, hi everyone. I hope you all are doing well. Here we are going to analyze the HCS exam 2021. So let's begin. तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो रहा है इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से, जहाँ से 29 क्वेश्चन आए थे और इनका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट था. देन इंडियन पॉलिटिक्स से आए 20 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के थे. करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 19 क्वेश्चन रहे जो मॉडरेट लेवल के थे. देन इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आर देयर. जनरल साइंस से 11 क्वेश्चन आर देयर. इंडियन इकॉनमी एंड गवर्नमेंट स्कीम से 6 क्वेश्चन आर देयर. सो इंडियन इकॉनमी और गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी कम जो है वो पोर्शन रहा है 2021 में. सो मे बी इन 2022 इंडियन इकॉनमी और गवर्नमेंट स्कीम से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन हरियाणा जीके से ओनली 3 क्वेश्चन आर देयर. ओके, दैट्स ऑल्सो ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल. अब हम डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं इन किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर ये क्वेश्चन था. यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं. 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिसमें से 4 जो है वो साउथ इंडिया से ही है, दैट इज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम. 4 लैंग्वेज वो हैं प्लस में ओडिया एंड संस्कृत. ओडिया एंड संस्कृत ओके, ये क्लासिकल लैंग्वेज है. तो ये ऑलरेडी 2021 में पूछा गया है तो चांसेस तो बहुत कम है. बट इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का, किस बेसिस पे जो है क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है. तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के बेस पे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विरोधी कवि. विरोधी कवि किसे कहा गया है, रेबल पॉइंट. तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उनको किस नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है. अशोकन पिलर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस तरह के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे अशोकन पिलर है. इस तरह का आर्ट में जो भी फेमस वर्क है वो आपको देखना है. देन विष्णु नारायण भटकंडे, ये एक रियोन्ड फिगर है. ये भी रियोन्ड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे पूछा गया था कि ये किस वर्ल्ड से एसोसिएटेड है. ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ओके, देन गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था. ये बुद्धिस्ट का जो है फेमस स्कूल ऑफ आर्ट है. इसमें तीन स्कूल ऑफ आर्ट जो है बुद्धिस्ट आर्ट को लेके काफ़ी फेमस है. वो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, अलोंग विद दैट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे. अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ओके, तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से भी. देन डांस फॉर्म के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ पे क्लासिकल डांस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था. आपको पता ही है हमारे यहाँ कौन कौन से क्लासिकल डांसेस हैं. तो यहाँ पे पूछा गया था क्लासिकल डांस प्लस कौन सी स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम ये कौन से स्टेट से है, कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है, मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का है, मणिपुरी. ओके, ये सब आपको पता होने चाहिए जो क्लासिकल डांस है वो कौन से स्टेट के हैं. देन नेक्स्ट में एम्ब्रॉयडरी पूछी गई थी. ये मैच द फॉलोइंग टाइप था. एम्ब्रॉयडरी कौन सी स्टेट की एम्ब्रॉयडरी जो है ये फेमस है. फॉर एग्जाम्पल लखनऊ की चिकनकारी. ओके, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी पूछी गई थी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट में जो है चीफ पेंटर के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो पेंटिंग एंड पेंटर्स ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ये मुगल टाइम के पेंटर्स थे, चीफ पेंटर्स, जिन्होंने हमजा नामा में काम किया था. इसके बारे में पूछा गया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था. ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी सतवना एज की. सतवना एज की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो ये थी प्राकृत. देन नेक्स्ट में पूछा गया था कि कौन सी साइट प्रोटो हरप्पन कल्चर से बिलोंग नहीं करती है.
नेक्स्ट में पूछा गया था इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू फारूक सियार कोर्ट, इसको कौन लेड करते थे। ओके देन अपराइजिंग, अपराइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। आइदर वो पीजेंट अपराइजिंग हो, पीजेंट अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग, दोनों ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपराइजिंग के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो अरहर मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, अरहर मूवमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सूफी सेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था, तो सूफिज्म और भक्तिज्म ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, तो सूफिज्म और भक्तिज्म के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जो है वो इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस, मींस यहाँ से हमें क्या देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेशन जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है उसको किसने प्रेजाइड किया था, ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था लक्ष्मी स्वामीनाथन, मैडम कामा, अरुणा असफ अली और बीना दास के बारे में, तो ये टॉपिक जो है हो जाता है वुमेन रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये इस टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे, फर्दर इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वुमेन का रोल क्या रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। देन रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली 2021 में पूछा गया था ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के जो रेवोल्यूशनरी से एसोसिएटेड थे उसके बारे में पूछा गया था। देन सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है जो बॉम्बे में फाउंड की गई थी दादोबा और आत्मारंग पंडुरंग के द्वारा। ओके सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और उनसे एसोसिएटेड जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, और जो फेमस बुक्स रही हैं उनकी बात करेंगे, उनके राइटर की बात करेंगे, इनके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स लाइक अभिजनम शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मृच्छकटिकम, रघुवंशा, मेघदूता, कादम्बरी, बुद्धचरिता, ये कुछ फेमस बुक्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप में ये फर्दर पूछी जा सकती हैं। देन नेक्स्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बट आगे भी टेम्पल आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और डिफरेंट फॉर्म में टेम्पल आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन अगेन ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से ही क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री का, रेवोल्यूशनरीज जो थे उसी से आ जाता है, रेवोल्यूशनरी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रीडम स्ट्रगल से, तो यहाँ पे पूछा गया था हु असैसिनेट स्टेवेन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा इन 1931। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कोरेक्ट रिगार्डिंग भक्ति सेंट, ये देखो भक्तिज्म और सूफिज्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की ये सेंट है नामदेव, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर ये क्वेश्चन था। ओके ये अरेंज करनी थी नॉर्थ टू साउथ, ओके तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये रेवेन्यू सिस्टम, जो मुगल पीरियड में रेवेन्यू सिस्टम रहता था 18th सेंचुरी का यहाँ पे पूछा गया है, रेवेन्यू सिस्टम जो मुगल पीरियड का था उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हम जो रेवेन्यू सिस्टम था इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, मुगल टाइम में किस तरह का रेवेन्यू सिस्टम था। फर्दर जो मॉडर्न इंडिया है उसमें भी रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ भी हम बात करेंगे। ओके यहाँ पे यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ पे पूछा गया था जो 18th सेंचुरी में एक रेवेन्यू होता था हाईएस्ट बिडिंग के तौर पे, उस टर्म को क्या बोला जाता है, उस टर्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एमर्ज इन 18th सेंचुरी दैट मीन्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द रेवेन्यू ऑफ एन एरिया, रेवेन्यू किसी भी एरिया का फ्रेम किया जाता था हाईएस्ट बिडिंग के बाद जो है किया जाता था, वो टर्म पूछी गई थी। ओके तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन
जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स मौर्यन पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कंसर्निंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द मनसबदारी सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में था, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोला रेवेन्यू का जो है वो मुगल टाइम में भी इंपॉर्टेंट था. रेवेन्यू सिस्टम आइदर उससे एसोसिएटेड टर्म्स पूछ ली जाती हैं या फिर डायरेक्ट कुछ रेवेन्यू सिस्टम के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुगल पीरियड से भी प्लस में मॉडर्न टाइम से भी. मॉडर्न में जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो थ्री जो है काफी फेमस है, आपको पता ही है, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट लैंड सेटलमेंट. परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ओके, ये कॉलोनियल इंडिया के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के तीन फेमस जो है इनके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिडिवियल इंडिया इंडियन हिस्ट्री से था, ये पर्टिकुलर टर्म पूछी गई थी पेट्रा ड्यूरा टर्म के बारे में पूछा गया था. पेट्रा ड्यूरा का मतलब क्या होता है, पेट्रा ड्यूरा जो होते हैं ये कलर्ड और हार्ड स्टोन होते हैं जिनको डिप्रेशन में जो है कार्व किया जाता है, मार्बल और स्टोन के अंदर जो डिप्रेशन बनाया जाता है, कार्विंग की जाती है, उस डिप्रेशन में इनको फिल किया जाता है. कलर्ड और हार्ड स्टोन होते हैं एंड दे विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न. ओके, इसे पेट्राड्यूरा बोला जाता है. मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री की ये टर्म ली गई है. देन नेक्स्ट है, हु गेव द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट, जिन्हें पॉपुलरली बल्लू भी बोला जाता था. ओके, यहाँ पे टाइटल पूछा गया है, नायब बख्शी और राव का टाइटल दिया गया था बलराम जाट को, तो ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं रैयतवारी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम का ही है. रैयतवारी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट भी इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है और महलवारी सिस्टम भी, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी से हमने देखा कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे. तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग. ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो है पूछे जाते हैं जनरल क्वेश्चन. देन फंडामेंटल राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट से जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. देन नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया. पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये थ्री कमेटी है, इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी है. देन नेक्स्ट इज एस्टिमेट कमेटी. ओके, एंड थर्ड इज पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी. ओके, ये तीन कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इन तीनों कमेटी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. देन एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑल्सो वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ आदर UPSC और स्टेट PCS. ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ का, इसके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पॉलिटी में बनते हैं. नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज सिस्टम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST. तो जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. साथ ही साथ जो स्टैट्यूटरी, इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के उनके क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. देन लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर जो है ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, UPSC का भी और स्टेट PCS का भी. लोकसभा स्पीकर के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर वो मनी बिल के रिगार्डिंग हो या फिर इनकी पावर एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग हो, ये सब जो है इन सब के ऊपर जो है स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनोलॉजिकली. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है. नेक्स्ट है फाइनेंस बिल के ऊपर ये क्वेश्चन आया था. फाइनेंस बिल के साथ साथ जो मनी बिल है इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, तो ये बिल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे द नोशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज मेंशन इन.
ये कहाँ पे मेंशन है? तो ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी में। फंडामेंटल ड्यूटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी में जो है हमें 10 ड्यूटीज दी गई हैं, प्लस एक बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। तो आपको ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरह से पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं क्या ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, किस यदि अमेंडमेंट के थ्रू आई थी तो किसकी रिकमेंडेशन से ये हुआ था, किसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है ये कि किसने जो है ये सजेस्ट किया था, किसने रिकमेंड किया था। तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और कौन से जो है अमेंडमेंट से आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी जो है ये जो है कहाँ से ली गई है, ये टर्म किस रेवोल्यूशन से ली गई है। तो ये टर्म है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आर कंट्री एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम क्या दिया गया है? क्या आप सभी को पता ही होगा, आर्टिकल नंबर 1 में ही मेंशन किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। मीन्स दो टर्म यूज की गई है, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी भी आपको पता होने चाहिए। डीपीएसपी 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, ये आप सबको पता ही है। सोशलिस्ट होते हैं, गांधियन होते हैं प्रिंसिपल में, गांधियन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। तो आपको ये डिवीजन भी पता होने चाहिए कि कौन से सोशलिस्ट हैं, कौन से गांधियन प्रिंसिपल हैं और कौन से लिबरल हैं। इनका डिवीजन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल एनी सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये भी देखो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है यदि वॉयलेशन होती है फंडामेंटल राइट की। तो ये पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 32 के अंडर। ओके, आर्टिकल नंबर 32 के अंडर ये पावर दी गई है। और यदि हाई कोर्ट में जाने की पावर किस आर्टिकल के अंडर है? हाई कोर्ट, ये है आर्टिकल नंबर 226। ओके, और जो आर्टिकल नंबर 32 है इसे हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो ये है आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट है मैच द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर कंटेंट। ये शेड्यूल, कितने शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 12 शेड्यूल्स है। और तो आपको ये 12 के 12 शेड्यूल्स जो है पता होने चाहिए, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है स्टेटहुड का, स्टेटहुड का। ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, आप सबको पता ही है। तब कितनी स्टेट थी? 14 स्टेट थी। ओके, उसके बाद जो है काफी सारी स्टेट एड ऑन हुई। अभी प्रेजेंट में कितनी स्टेट है ये आप मुझे बताएंगे, प्रेजेंट में कितनी स्टेट है। और तो जनरली इन स्टेट का ऑर्डर पूछा गया था कि कौन सी स्टेट पहले बनी फिर कौन सी स्टेट बनी। ओके, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। ओके, तो 1956 एक्ट के बाद जो 15 स्टेट बनी थी, सबसे पहले वो बनी थी गुजरात। पहले बॉम्बे होता था, बॉम्बे से जो है महाराष्ट्र और गुजरात बनी थी, महाराष्ट्र और गुजरात। देन आफ्टर दैट 16 स्टेट जो है वो बनी थी नागालैंड। और जो महाराष्ट्र गुजरात है ये लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवाइड हुई थी, मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग। देन नागालैंड 16th स्टेट का दर्जा इसे मिला। 17th पे जो बनी थी वो बनी थी हरियाणा। हरियाणा भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है पंजाब से सेपरेट हुआ था, पंजाबी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग के बेसिस पे। ओके, देन 18th स्टेट बनी थी हिमाचल प्रदेश। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था, पहले कौन सी स्टेट बनी, किसको स्टेटहुड का दर्जा मिला पहले। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट में पूछा गया है राइट टू वोट के रिगार्डिंग, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 300A के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, देन इसको बाद में जो है ओनली लीगल राइट का दर्जा इसे दिया गया। ओके,
इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट का दर्जा इसे दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21 के रिगार्डिंग। जो आर्टिकल नंबर 21 है ये काफ़ी वास्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 21 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर ये क्वेश्चन था, ये करंट के साथ एसोसिएट करके जो है पूछा गया था। ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ये करंटली न्यूज़ में भी था। ओके, इसके साथ साथ जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, और NRI के पास जो है क्या क्या राइट्स होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखते हैं। प्लस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे जो है इनकी इस पर्सनैलिटी की जो है अपॉइंटमेंट हुई थी, सो अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी अपॉइंटमेंट जो भी अभी न्यूज़ में है वो आपको देखनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो फेमस अपॉइंटमेंट हुई है। मैच द फॉलोइंग टेस्ला, बिटकॉइन, पोकेमोन गो, जूम, ये मैच द फॉलोइंग में पूछी गई थी कि इनका काम क्या है। ओके, फैब 2021 में नासा ने जो है एक रोवर लैंड किया था मार्स पे, तो उसका नाम पूछा गया था। देन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये न्यूज़ में था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया RCEP का पार्ट है या नहीं है, RCEP। ओके, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये RCEP के साथ SCO का भी बताना, क्या इंडिया SCO का मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वाड्रन द राफेल जेट हैव बीन इंडक्टेड। उस टाइम रिसेंटली ही राफेल जेट जो है वो इंडक्ट किए गए थे, तो पूछा गया था ये किस स्क्वाड्रन में जो है इंडक्ट किए गए हैं। तो इस तरह के करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना था कि उनका फंक्शन क्या है। देन ऑफिशियल नेम पूछा गया था कोरोना वायरस का, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी न्यूज़ में था, अभी ओमिक्रॉन काफ़ी न्यूज़ में है, और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो भी न्यूज़ में है, और तो आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है करंट से पूछे जाते हैं। अभी हॉट टॉपिक है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के रिगार्डिंग, वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बात है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है काफ़ी बात हो रही है। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं ये काफ़ी हॉट टॉपिक हैं। स्विफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्विफ्ट। ओके, उसके साथ साथ जो है इम्पैक्ट ऑफ 5G का क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और बात हो रही है उसके साथ साथ ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की इंडिया को, तो ये सब टॉपिक जो है काफ़ी न्यूज़ में है, ओमिक्रॉन न्यूज़ में है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है टॉपिक काफ़ी करंट न्यूज़ में है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, ये तब पास हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। INSTC उस टाइम पे न्यूज़ में था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि करंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उससे रिलेट करके ही प्रेपरेशन अपनी कीजिए। नेक्स्ट जो है वो अटल टनल से रिलेटेड है। अटल टनल जो है इसको हम ज्योग्राफी में भी कवर कर सकते हैं, करंट में ये न्यूज़ में भी था इसलिए हमने इसको करंट में रखा है। अटल टनल जो है वो यहाँ पे पूछा गया था किस रेंज में आता है हिमालयाज की, मैत्री से, तो ये न्यूज़ में भी था और साथ ही साथ इसको हम ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं मैत्री सेतु को। मैत्री सेतु उस टाइम पे न्यूज़ में था, तो इसके बारे में पूछा गया था। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे बजरंग पूनिया के रिगार्डिंग पूछा गया था, इन्हें जो है उस टाइम पे इन्होंने रिगेन किया था वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन आफ्टर किस चैम्पियनशिप के बाद इन्हें ये पोजीशन दी गई थी,
ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द कोविड इनिशिएटिव विद देयर पर्पस। कोविड इनिशिएटिव पूछे गए थे कि उनका पर्पस क्या था, किस पर्पस से कौन सा इनिशिएटिव लिया गया था कोविड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ICMR एंड डज नॉट रिक्वायर अ नोज एंड थ्रोट सैंपल। तो आप देख सकते हैं ये कोविड से ही रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड करंट में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो कोविड से रिलेटेड ही है। ये ICMR वाला भी कोविड से रिलेटेड है, उससे पहले भी हमने देखा 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए थे, तो 3-4 क्वेश्चन जो है वो कोविड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, नोबेल प्राइज़ के ऊपर हम पर्टिकुलर एक पूरी जो है वीडियो बनाएंगे कि नोबेल प्राइज़ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2020 के विनर्स पूछे गए थे, अब 2021 के भी आ चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस किस फील्ड में ये दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है और किस किस को ये अवार्ड दिया गया है, किस पर्पज़ के लिए दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन जो है इस पर बन सकते हैं। प्लस में इंडिया में, इंडिया से किसको मिला है, सबसे पहले किसे मिला था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैबर सिज़िगो प्राइज। गैबर सिज़िगो प्राइज जो है ये न्यूज़ में था क्योंकि ये इंडियन को दिया गया था, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, USA के द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये उस टाइम पे न्यूज़ में था। देन जस्टिस मदन बी लोकर कमेटी के बारे में पूछा गया, ये कमेटी किसके रिगार्डिंग थी, स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग, और ये तब न्यूज में थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी जो है काफी चेंज आ गया है, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जनरली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें चेंज आया है, तो यहाँ पे जो है लोकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोकेशन पर्टिकुलरली न्यूज में रहती है उसके रिगार्डिंग जो है ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये मणिपुर में है, केबल लमजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पे ये लेक आती है। केबल लमजाओ नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट टाइप से जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, पहले एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है स्टेट PCS में, लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क के वे में कि कौन सा लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क है और ये कहाँ पे है, तो ये सेम ही है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ये, लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क भी है, केबल लमजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है, संघाई डियर के लिए भी ये जाना जाता है, संघाई डियर जिसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है, ये संघाई डियर जो है ये एंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज है इस पार्क की, मणिपुर में ये है मणिपुर। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा गया था, बेल्ट ऑफ काम किसे बोला जाता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है, कोरोलिस फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीन्स क्या है, हरमतन क्या है, तो ये कुछ टर्म थी ज्योग्राफी की जिनको मैच करना था। नेक्स्ट जो है ये लोकेशन बेस्ड ही था, नीलगिरी यहाँ पे माउंटेन रेंजेस पूछी गई थी, आई थिंक हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पूछी गई थी, नीलगिरी की कौन सी है, सतपुराज में कौन सी है हाईएस्ट रेंज है, अरावली में कौन सी है, हिमालयाज में कौन सी है। ओके, देन श्री हरिकोटा जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये पूछा गया था कि ये कौन सी लेक के पास सिचुएटेड है, लेक का नाम आपको बताना था, तो ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं ये भी लोकेशन बेस्ड है, ये भी लोकेशन बेस्ड है और ये भी लोकेशन बेस्ड है, 3 क्वेश्चन जो है वो लोकेशन बेस्ड हैं, आगे भी हम देखते हैं मे बी आगे भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें मिल जाए। नुब्रा वैली ये लोकेशन बेस्ड भी इसे बोल सकते हैं, प्लस में ये न्यूज में भी था तो करंट बेस्ड भी है। सिमिलरली दिप्सांग प्लेन जो है ये न्यूज में थे, दिप्सांग प्लेन जो है ये न्यूज में क्यों था, ये इंडिया चाइना वॉर जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया चाइना का, उसके रिगार्डिंग जो है ये न्यूज में था दिप्सांग प्लेन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। नुब्रा वैली के ऊपर क्वेश्चन आया है, नुब्रा वैली में पूछा गया था कि नुब्रा वैली जो है ये जानी जाती है अपने ऑर्चार्ड विस्टाज के लिए, बैक्टीरियन कैमल्स के लिए, मोनास्ट्रीज के लिए, तो ये कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट PCS में, आई थिंक UPSC में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार देख लेना बैक्टीरियन कैमल्स कैसे डिफरेंट होते हैं दूसरे कैमल्स से, और ये तो आपको पता ही है नुब्रा वैली में ये पाए जाते हैं, क्या ये एंडेमिक है टू द नुब्रा वैली, ये भी आपको बताना है।
देन खैरिफ क्रॉप, खैरिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैरिफ क्रॉप जो है इनको जो है ऑटम क्रॉप या फिर मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, मानसून क्रॉप और ऑटमन क्रॉप। खैरिफ जो है ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है, अरेबिक में खैरिफ का मतलब होता है ऑटमन। ओके, और ये इनका शोइंग पीरियड कब होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको लगभग जो है शो किया जाता है मई जून में ऑन द अराइवल ऑफ द मानसून, इसीलिए इनको मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। और हार्वेस्टिंग इनकी जनरली होती है सितंबर अक्टूबर में। और एग्जाम्पल है खैरिफ क्रॉप का राइस, राइस, मेज, सरगम, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ये सब जो है खैरिफ क्रॉप में आती हैं। देन हम बात कर लेते हैं रैबी क्रॉप की। रैबी क्रॉप जो होती हैं, रैबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, विंटर क्रॉप, रैबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोला जाता है और स्प्रिंग क्रॉप भी बोला जाता है। रैबी वर्ड भी अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे रैबी का अरेबिक में इसका मतलब होता है स्प्रिंग। ओके, इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, जनरली इसको उगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कब की जाती है, स्प्रिंग सीजन में, दैट इज इन मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में जनरली इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल है बार्ले, ग्राम, व्हीट और पीज। ओके, बार्ले, ग्राम, वीट और पीस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। जायद क्रॉप क्या होती है, जायद क्रॉप के बारे में आप मुझे बताएं, जायद क्रॉप के बारे में बताना, फूड क्रॉप्स के बारे में भी बताना, जायद क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। ओके, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, यहाँ पे पूछा गया था स्टेट के में स्लैश एंड बर्न डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम से बोले जाते हैं, तो ये मैच करना था। हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट में किस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से। नेक्स्ट है लैंड लॉक्ड स्टेट पूछी गई थी। लैंड लॉक मीन्स जो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर ना करती हो, मीन्स वाटर बॉडी के साथ भी, फॉर एग्जांपल ओशियन के साथ भी अपने बॉर्डर शेयर ना करती हो, और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर ना करती हो। ओके, ऐसी स्टेट आपको बतानी थी, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जो है मेजर रिवर बेसिन नहीं है इंडिया का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट फ्लूवियल लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आया था, झेलम रिवर के रिगार्डिंग यहाँ पे ये पूछा गया था। फ्लूवियल लैंडफॉर्म में क्या आते हैं, इसमें आता है मियांडर्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, तो इन सब के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ऑक्सबो लेक क्या होती है, मियांडर्स क्या होते हैं, वी शेप वैली क्या होती है और ये कब बनती है। तो यहाँ पर्टिकुलरली में पूछा गया था कि मियांडर्स जो है वो कब फॉर्म होते हैं, यंगर स्टेज पे होते हैं या मैच्योर स्टेज पे होते हैं या फिर ओल्ड स्टेज पे होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में। देन नेक्स्ट पोर्शन हम बात करेंगे जनरल साइंस की। जनरल साइंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ही इजी लेवल के थे, बिल्कुल ही जनरल क्वेश्चन थे, तो देख लेते हैं हम किस तरह के क्वेश्चन थे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लिस्ट लाइकली टू बी यूज इन मेकिंग ऑफ द परफ्यूम। यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे कम यूज होता है परफ्यूम बनाने में। नेक्स्ट है एसिड, एसिड जो यूज किया जाता है गोल्ड ऑर्नामेंट को क्लीन करने में, तो एसिड और बेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएच, ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इन सब के बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, वाइट वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो वाइट वॉशिंग की जाती है बिल्डिंग की, जो कंपाउंड इसमें यूज होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। पीएच के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पीएच के रिगार्डिंग आता है, एसिड बेस हो गया, ये जो है जनरली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। यहाँ पे पूछा गया था, कुछ आइटम्स दी गई थी और पूछा गया था इनमें से किसका पीएच लेस देन 7 है, मीन्स कौन एसिडिक है नेचर में। ओके, एसिडिक,
क्योंकि जो सेवन से नीचे पीएच होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, सेवन से ऊपर होता है तो वो चीज़ जो है वो बेसिक नेचर की होती है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बनेंगे, फॉर एग्जांपल सेवन है, सेवन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद ये 14 तक जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो बेसिक होता जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ओके, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पूछा गया था, गिवन ऑप्शंस में से बताना था कि कौन सा सबसे बेहतर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। नेक्स्ट में ये जो है ये डिजीज के रिगार्डिंग आया था, सो डिजीज टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज के रिगार्डिंग पूछा गया था, सिम्टम्स पूछे गए थे, टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबर क्लोसिस, चिकन पॉक्स, वो मैच करने थे। देन प्लास्टिक बैग, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था, प्लास्टिक बैग जो है एक पोटेंशियल हैजार्ड है इन्वायरमेंट के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका सही आंसर था। देन नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इनडाइजेशन वॉज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। उनको जो है प्रोबायोटिक्स जो है सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो वो क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन रियल टाइम पीसीएस टेस्ट जो COVID-19 पेशेंट के लिए किया जाता है, मैंने बोला था कोविड के रिगार्डिंग जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, सो जनरल साइंस में भी हम इसे रख सकते हैं, करंट में भी हम इसे रख सकते थे क्योंकि कोविड जो है वो न्यूज़ में था, तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे। अब इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैच द फॉलोइंग टाइप का था, बिटकॉइन, एफआरबी, एमएक्स, सेबी, मीन सेबी क्या है, मूडी क्या है, सीडीआर क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन था, मैच करना था। 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 ईयर प्लान पे जो है काफी क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा जो है ये फेवरेट रहा है, 5 ईयर प्लान पे किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 ईयर प्लान को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे। देन नेक्स्ट है सेलियंट फ्यूचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी के सेलियंट फ्यूचर की बात की गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, ये पीएम कुसुम स्कीम न्यूज में थी तो पीएम कुसुम स्कीम के बारे में पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो भी स्कीम न्यूज में है उन स्कीम के ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। देन प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट एंड रिजर्व इज कैप्ड विद आरबीआई, वट इज इट कॉल्ड? ओके, प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट जो रखा जाता है आरबीआई के पास उसे क्या बोलते हैं? ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये कुछ टर्म है इकोनॉमी के जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टर्म्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट ट्रैप के ऊपर, डेट ट्रैप क्या होता है ये आप सभी को पता ही होगा। डेट ट्रैप यहाँ पे जनरली पूछा गया था कि डेट ट्रैप किसे कहते हैं, तो डेट ट्रैप होता है कि कर्ज को उतारने के लिए आप कर्ज ले रहे हो तो वो होता है डेट ट्रैप। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा जीके से ओनली 3 क्वेश्चन आर देयर एंड आउट ऑफ दैट 2 आर फ्रॉम हरियाणा हिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम हरियाणा पॉलिटी। तो हरियाणा हिस्ट्री में पूछा गया था विच डायनेस्टी रूल द एरिया ऑफ मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ गजनेवाइड इन्वेजन, जब गजनेवाइड इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे मॉडर्न हरियाणा को कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। नेक्स्ट पूछा गया था एंशियंट पीरियड में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, पॉलिटी में सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी और शाह कमेटी के बारे में पूछा गया था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।